हेलो स्टूडेंट, इट इज क्लास ए सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7। टुडे टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व कुछ फॉरेस्ट ऐसे बनाए गए हैं जहां की वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को प्रिजर्व कर रखा है, वहां उन्हें संरक्षित कर रखा है। दीज एरियाज कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। इन बायोस्फीयर को सेंचुरीज और नेशनल पार्क में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? दीज आर द प्लेसेस दैट प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये वे स्थान हैं जो जंगली जीवों को, जंगली वन्य पशुओं को संरक्षण देते हैं। इन दीज प्लेस किलिंग और पॉचिंग ऑफ एनिमल इज बैन इन द सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पशुओं को मारना या उन्हें पकड़ना, पालने के लिए बिल्कुल मना होती है। एनिमल्स सच एज ब्लैक बक, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, डायनासोर एंड पिंक हेडेड डक आर प्रोटेक्टेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये अलग अलग जीव संरक्षित रहते हैं। दीज आर द प्लेस देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ये उनके प्राकृतिक प्लेस हैं, प्राकृतिक घर हैं। They are living from 100,000 of years, जहाँ वे सैकड़ों हजारों सालों से रह रहे हैं। We are keeping them in their short places reserve so that they may remain alive for our coming up children। हम इन छोटे स्थानों पर उन्हें संरक्षित रखते हैं ताकि ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रख सकें और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के लिए भी उन्हें सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आल्सो प्रोटेक्टेड एरियाज रिजर्व इन नेचुरल कंडीशन टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क भी ऐसे ही प्राकृतिक आवास हैं, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, जहाँ की जीव जंतु वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। ये भी उनका प्राकृतिक घर है। देयर आर अबाउट 89 नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में करीब 89 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क प्रिजर्व्स फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। किसी क्षेत्र के फ्लोरा यानी पेड़ पौधे, वन्य वनस्पति, फौना, वहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी, लैंडस्केप, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण, सौंदर्य और वहाँ क्षेत्र में पड़ने वाले ऐतिहासिक स्थानों का भी संरक्षण होता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इसमें टीक के पेड़ पाए जाते हैं। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आर सम एग्जांपल ऑफ नेशनल पार्क फाउंड इन इंडिया। ये अन्य भारत के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और जिम कॉर्बेट। दीज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स ऑफ दैट एरिया। ये
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन्हें प्राकृतिक वातावरण देते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, इनमें क्या अंतर है? दोनों ही पशुओं को और वहां के वातावरण को संरक्षित करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए रिजर्व एरिया मीन फॉर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पाइसेस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए है। वाइल्ड नेशनल पार्क इज ए रिजर्व एरिया फॉर प्रिजर्विंग फ्लोरा वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, जबकि नेशनल पार्क में वहाँ के जीव जंतुओं के साथ वहाँ के पेड़ पौधे वनस्पति प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थानों का भी संरक्षण किया जाता है। अ सेंचुरी सेटअप फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ये सेंचुरी एक विशेष उद्देश्य के लिए किसी विशेष प्रजाति के लिए ही संरक्षण के लिए उपयोगी है। बट ए नेशनल पार्क इज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क में जीव जंतु अलग अलग जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए और वहाँ के सौंदर्य के लिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संरक्षित किया जाता है, जिससे कि यह बहुत उपयोगी होता है, बहुत मामलों में उपयोगी होता है। अ सेंचुरी इज डेवलप्ड इन कंपैरेटिवली लिमिटेड एरिया, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़े ही स्थान में बना दी जाती है, जबकि नेशनल पार्क इज डेवलप्ड इन अ लार्जर एरिया, जबकि नेशनल पार्क का एरिया बहुत बड़ा होता है। देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में एक प्रोजेक्ट और भी है जिसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। एज वी नो दैट टाइगर इज द मेन एनिमल फाउंड इन इंडियन रीजन, भारतीय क्षेत्र में टाइगर या चीता मुख्यतः पाया जाता है, जो कि सिर्फ इसी एरिया में बहुतायत से मिलता है। सो टाइगर प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, इसलिए चीतों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर सबसे बड़ा संरक्षण प्रोग्राम है। इट वॉज लॉन्च इन 1973 टू सेव टाइगर एंड मेंटेन द टाइगर पॉपुलेशन, इसे 1973 में भारत सरकार ने चीतों को बचाने के लिए और उनकी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए शुरू किया था। अंडर दिस प्रोजेक्ट 23 टाइगर रिजर्व हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 23 क्षेत्र टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं भारत में, पूरे भारत में। इट हैज बीन सक्सेसफुल एज दिस प्रोजेक्ट हैज हेल्प्ड इन रिकवरी एंड इंक्रीज ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द रिजर्व एरिया ओवर द ईयर्स, और इतने सालों में यह प्रोजेक्ट बहुत सफलता से कार्य कर रहा है, क्योंकि इससे टाइगर का संरक्षण भी हुआ है और उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। गिर लॉयन प्रोजेक्ट एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व वर सम स्टेप टेकन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, गुजरात के गिर वन में शेरों के संरक्षण और चीतों के संरक्षण के लिए गिर लॉयन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और सतपुड़ा के रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शुरू किया गया था, जो कि बहुत सफलता से कार्य कर रहे हैं। सो वी शुड कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ, अवर फॉरेस्ट एंड अवर कल्चर एंड अवर नेचुरल ब्यूटी, इसलिए हमें अपने जीव जंतुओं का, वनों का, प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण करना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू कीप द बैलेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, इससे हमारे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वी हैव डन चैप्टर 7, हमने 7 चैप्टर का बुक वर्क और वर्क को
क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं उन्हें करिए और स्कूल में चेक कराने के लिए आइए, जिससे कि आप उसे सही तरह से लर्न कर सकें। ओके, टेक केयर ऑफ स्टडीज, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।